न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की और पहली खबर वाराणसी से, जहां चुनाव प्रशासन पूरी तरह भाजपा प्रत्याशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारों पर उनके चुनावी लाभ में पक्षपातपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। मोदी के नामांकन पत्र के कई कलमों में वांछित सूचना नहीं भरे जाने के बावजूद आपत्तियां आमंत्रित किए बिना उनके पर्चे को दबाव में एक तरफा वैध घोषित कर दिया गया। रुद्राक्ष सांस्कृतिक कन्वेंशन सेंटर को चुनावी राजनीतिक संवाद के लिए मोदी को अंबादित होने और उनके आने वाले और रोड शो के मार्गों पर विशेष सज्जा और रोशनी में शासकीय और अर्धशासकीय निकाय द्वारा व्यय के अलावा प्रत्याशी द्वारा बसों अन्य वाहनों पुलों पर किए गए भारी चुनाव धन व्यय की अनदेखी करना, ये तमाम चीजें यहां पर कही गई हैं। वेदांता सेमी कंडक्टर प्लांट ये गया जिसमें 1,00,000 लोगों को नौकरी मिलती, ये महाराष्ट्र से गुजरात गया 2022 में। दूसरा टाटा एयरवेज एयरबस जो 295 जो ट्रांसपोर्ट जो सामान ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट बसती है एयरबस, ये 2000 ये भी 22 में गया। जो 22,000 करोड़ का ये था, 22,000 करोड़ का प्लांट था। जो तीसरा सबमरीन बनाने का प्लांट गया जो 2024 में दे गए मोदी जी। और अभी अलीगढ़ महानगर की हीलालाल बाहरा सैन्य इंटर कॉलेज की महिला प्रिंसिपल अर्चना वार्ष्णेय के साथ शहर के प्रमुख उद्योगपति गौरव हरकत और उनके अन्य साथियों के द्वारा कॉलेज कैंपस में प्रिंसिपल के ऑफिस में घुसकर अपने गुंडों के साथ मारपीट की। स्कूल के स्टाफ द्वारा जब इसका घटना का विरोध किया गया तो दबंगों ने महिला प्रिंसिपल के साथ टीचर स्टाफ के साथ भी मारपीट की। कॉलेज की प्रिंसिपल अर्चना वार्ष्णेय का आरोप है कि दबंगों ने उनके गले का दुपट्टा खींच लिया और कपड़े फाड़ने की भी कोशिश की। कानपुर में पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर एक सब्जी विक्रेता ने खुदकुशी कर ली। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में भी जांच चल रही है। फिर इस बीच पुलिस दबंगई का मामला भी सामने आया। दरअसल यहां पर कुछ पुलिसकर्मियों ने मुफ्त नारियल पानी के लिए दुकानदार की पिटाई कर दी। वहीं पीड़ित का आरोप है कि उसे थाने में ले जाकर थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया। पीड़ित का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले की जाँच की गई तो पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर किसान के ऊपर गिरा। तार के करंट से बुजुर्ग किसान की दर्दनाक मौत हो गई। खेत पर काम करते समय हादसा हुआ। किसान की मौत से हड़कंप मच गया। परिजनों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। मृतक किसान निजामुद्दीन के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। काजगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के बिटौना गाँव का ही पूरा मामला। और बिजली विभाग को कई बार जैसे कि उन्हें इतला भी करी जाती है तो ये अपने थोड़ी सी अपनी छाना भी नहीं करके निकल जाते हैं। ये लोग लापरवाही करते हैं। इन्हें आज तक कभी कोई गौर नहीं दिया। चारों तरफ बिल्कुल जाल से फैला हुआ है और तार इतने कमजोर है आए दिन वो कट के गिरते रहते हैं अपना। और एक बार नहीं, अभी कई बार इससे अगली बार भी दो जने बच गए हादसे से। उनके बच्चे वगैरह भी थे? हाँ उनके, हाँ जी हाँ। पुलिस में भी कंप्लेंट? हाँ जी हाँ, थाने में कंप्लेंट करा दिए। क्या कर रही है पुलिस? अब पुलिस तो अब देखो अभी गए हैं, देखो क्या होता है। अभी वापसी नहीं आया, अब यहाँ पोस्टमार्टम में भेज दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमेठी वासियों को कांग्रेस के प्रति किया जागरूक। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व मंत्री ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा बीजेपी पार्टी केवल झूठ बोलती है। बीजेपी केवल एक मोदी नाम पर वोट मांगती है, मगर अमेठी की जनता अब जान चुकी है कि केवल इन्हें गुमराह किया गया है। अब अमेठी का चुनाव अमेठी की जनता लड़ रही है। हमने अमेठी से कांग्रेस पार्टी में 40 सालों तक कार्यरत केएल शर्मा को प्रत्याशी बनाया जो अमेठी में जीत का परचम लहराएंगे। कांग्रेस कार्यालय गौरीगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जानकारी दी। ये तमाम बातें जनता की जेल में बैठ गई, इसलिए जनता उठ खड़ी हुई है पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भी। आप देखेंगे कि यूपी के चुनाव भी और देखिए चुनाव के नतीजे आएंगे चौंकाने वाले होंगे। और ये लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। लोगों के दिमाग आगे कोई पता नहीं, मोदी जी जीत जाएंगे भारी बहुमत से। आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे बोल रहा हूँ, ये मजाक है क्या आपके वहाँ लोकतंत्र की? आपने 12 गठबंधन कर दिए, राजनीतिक पार्टी कांग्रेस से चुनाव के लड़ाएगी वो अपने उम्मीदवारों से। संदिग्ध परिस्थितियों में निर्माणाधीन रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव, हत्या की आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि घटनास्थल पर पहुंची फोरेंसिक टीम ब्लड सैंपल का नमूना लेकर कई एंगल से जांच कर रही है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गुगली थाना क्षेत्र के निर्माणाधीन रेलवे ट्रैक का ये पूरा मामला। आप सभी को अवगत कराना है कि आज दिनांक 18 मई 2024 को सुबह रेलवे स्टेशन गुगली से थाना गुगली को एक मेमो प्राप्त हुआ कि रेलवे ट्रैक के किनारे एक शव पड़ा हुआ है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया तथा उसका पहचान करने का प्रयास किया तो यह शव मनीष कुशवाहा सन ऑफ ओम प्रकाश जो कि थाना सिंदुरिया के निवासी हैं उनका पाया गया। शव को कब्जे में लेके पुलिस ने पंचायतनामा की कार्रवाई कर ली है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है।
झांसी में 14 तारीख को आपराधिक सवार बदमाशों ने व्यापारी से 28 लाख रुपए लूट लिए थे। जिस घटना के खुलासे के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस द्वारा पुलिस की पार्टी में गठित कर लूट का खुलासा करने के लिए लगा दी थी। वहीं बीते दिवस पुलिस को सूचना मिली कि लूट की घटना को अंजाम देने वाले अपराधी निकल रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी करके इनको तब रुकने का प्रयास किया। इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें एक बदमाश को गोली भी लग गई और दो को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर गोंडा से, जहां सपा सांसद डिंपल यादव ने रोड शो किया। सपा सांसद डिंपल यादव गोंडा पहुंचे और पुलिस लाइन के मैदान में हेलीकॉप्टर उतरा। डिंपल यादव का रोड शो शुरू हुआ और सपा प्रत्याशी शिव वर्मा के समर्थन में रोड शो करती हुई नजर आई। शहर के अम्बेडकर चौराहे से डिंपल यादव का रोड शो शुरू हुआ। वही रथ में डिंपल और शिव मौजूद थे, सभी का अभिवादन किया। रोड शो शुरू होते अम्बेडकर चौराहे पर डिंपल यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और सीधे मोदी पर निशाना साधा। कहा कि जिसका परिवार नहीं है वे परिवार की कद्र करना नहीं जानता। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी गरवाट रामवीर सिंह के नेतृत्व में कस्बा के बाजार सहित विभिन्न मोहल्ले में बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों और कोतवाल पुलिस बल के जवानों द्वारा कस्बा में पैदल मार्च किया गया। फ्लैग मार्च पर पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवानों ने लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया। पैदल मार्ग फ्लैग मार्च का उद्देश्य लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना है। भारतीय किसान यूनियन स्वराज के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। गंजद्वारा सीएससी पर हो रही अनियमितताओं को लेकर धरना दिया गया। भारतीय स्वराज के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ता बोले, सीएससी पर मरीज को स्टेशन मुहैया नहीं कराई गई है। प्रसव कराने आई महिला से 2300 रुपए की अवैध वसूली की गई। सीएससी परिसर में दवाओं को कूड़े के ढेर में जलाया गया। भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह ने रेतपुर में त्रिवन प्रांगण में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी ने झांसी ललितपुर प्रत्याशी अनुराग शर्मा को वोट देने की अपील की। राहुल गांधी अखिलेश सहित इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, यह चुनाव चांदी की चम्मच लेकर पैदा होने वाले राहुल बाबा अखिलेश यादव और चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी का चुनाव है। अमित शाह ने कहा कि भारत इस बार पीओके को लेकर रहेगा। कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। घर में बिजली, शौचालय, 5 लाख तक की दवाई है और 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी ने किया। ललितपुर वालों, आप सभी को कोरोना का दोनों टीका लगा है या नहीं लगा है? जरा दोनों हाथ उठाकर बताओ। बढ़ते तापमान के बीच भाजपा का कूलर देगा काशीवासियों को ठंडक। लोकसभा चुनाव से पहले बनारस के दुकानों में बिक रहा है भाजपा ब्रांड का कूलर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, भाजपा के कमल निशान लगा बिक रहा कूलर। लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना भाजपा का कूलर। लोकसभा चुनाव 2024 की सबसे हॉट सीट रायबरेली पर चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी चुनावी मैदान में, तो उनकी चुनावी कमान प्रियंका गांधी की देखरेख में चल रही है। वहीं भाजपा से दिनेश सिंह का चुनाव प्रचार खुद दो बार गृहमंत्री अमित शाह कर चुके हैं। लेकिन इस सबके बीच में पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर ने भाजपा प्रत्याशी दिनेश सिंह पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने प्रेस वार्ता कर बताया कि भाजपा के वे सबसे पहले कमल चुनाव निशान के लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं, लेकिन भाजपा ने रायबरेली से दिनेश सिंह को चुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। कन्हैया कुमार पर हुए कथित हमले को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुख्य चुनाव पर कन्हैया कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अपने ऊपर हुए हमले को लेकर भाजपा के साथ साथ मनोज तिवारी पर भी जमकर हमला बोला। वहीं सुरक्षा को लेकर सवाल पर कन्हैया कुमार ने अपनी सुरक्षा से पहले जनता की सुरक्षा की बात कही और क्या कहा कन्हैया कुमार ने वो भी आपको सुना। मनोज तिवारी 10 साल से सांसद है ना, क्या आलू छील रहे हैं? बेबी बीयर पी से फुर्सत हुआ कि नहीं? बेबी को बीयर पीने से फुर्सत हुआ है कि नहीं? कहते हैं बेबी बियर पी के नाचे लगली चमक चमक छम। जनता जानते उनसे क्या गवा रही है? मनोज तिवारी भागे लगलन नाली देख के चमक चमक छम। जिस गली में जा रहे हैं उस गली में लोग नाली दिखा रहा है उनको। नाली देख के भागे लगलन चमक चमक छम। क्या कर रहे हैं? ओल तोल रहे हैं कि आलू कि जो है गन्ना का जूस निकालते हैं? सरकार चलाते हैं कि मजाक कर रहे हैं? अवैध असलाह की खरीद फरोख्त करने वाले 4 अभियुक्तों को गाजियाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस ने मुरादनगर क्षेत्र से 4 अवैध पिस्टल, 6 तमंचे, 35 बोर, 315 बोर और घटना में इस्तेमाल स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और एक स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया। इनके 3 साथी भी फरार हैं, जिनमें एक गैंग का मुखिया भी शामिल है।
गृहमंत्री अमित शाह बांदा पहुंचे। पांचवें चरण के मतदान के अंतिम दिन पहुंचे बांदा। बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं गृहमंत्री अमित शाह। हेलीपैड पर सदर विधायक प्रकाश चंद द्विवेदी ने किया स्वागत, साथ में मौजूद रहे भाजपा जिलाध्यक्ष संजय सिंह। 50,000 मतदाताओं को गृहमंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। बांदा चित्रकूट भाजपा प्रत्याशी आर पटेल के साथ सैकड़ों भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। गाजियाबाद के इंदिरापुरम सोसायटी अरिहंत हामनी सोसायटी में रखे बड़े ट्रांसफार्मर भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयंकर है कि आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने के लिए आग बुझाने वाले सिलेंडरों का इस्तेमाल किया, मगर आग भयंकर फैलती जा रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। आग काफी ज्यादा विकराल रूप ले रही थी। धीरे धीरे आग का जो प्रकोप बढ़ा उससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आपको बता दें कि इंदिरापुरम पुलिस द्वारा भी मौके पर आग बुझाने की कोशिश की। आग ने इतना विकराल रूप ले लिया, पास के टावर में आग फैलती जा रही थी। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम का इंतजार किया गया, काफी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया है। गाजियाबाद में हापुड़ रोड पर चलती कार में आग लग गई। चिरंजीव विहार के सामने हापुड़ रोड पर हादसा हुआ। देखते ही देखते आग का गोला बनी महिंद्रा कार। फायर टेंडर ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। आज जिला जज की कोर्ट में श्रृंगार गौरी और ज्ञान वापसी से संबंधित अन्य मुकदमों की सुनवाई हुई। न्यायालय से दक्षिणी तहखाने में चल रही पूजा वाले तलग्रह के जर्जर छत और बीम की मरम्मत की अनुमति पर बहस हुई। मामले में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से न्यायालय के माध्यम से अनुरोध किया गया ताकि तलग्रह तहखाने में किसी प्रकार की भविष्य में दुर्घटना ना हो। एएसआई सर्वे पर भी सुनवाई हुई। ज्ञानवापी प्रकरण से संबंधित सभी मुकदमे किसी कोर्ट में चलेगा। अगली सुनवाई 29 को होगी। देखिए आज बहुत सी फाइलें हैं जो कि क्लब हुई है और जिला जज भी हम लोग के नए हैं, तो सभी फाइलों को आज खोला गया है और जितने भी अधिवक्ता गए हैं उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा है। तो जज साहब ध्यान से ध्यानपूर्वक सबकी बातें सुन रहे थे और अवलोकन भी कर रहे थे। तो आज यही जो है सब हुआ है, अपनी अपनी बातों को रखा गया है और जितना भी फाइल है उसको दोबारा से फिर से अवलोकन करेंगे जिला जज साहब। उसके बाद ही 29 तारीख नया जो है तारीख मिला है। सहारनपुर के मंडी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खाताखेड़ी की सिरोज कॉलोनी में असद मस्जिद के पास दो सगे भाइयों पर गुरुवार रात 3 बजे हथौड़े से हमला कर दिया गया। दोनों भाइयों में से एक युवक पहले कोमा में चला गया, इसके बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। दूसरे भाई का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सिराज कॉलोनी निवासी 23 वर्षीय जुनैद और उसका भाई 24 वर्षीय अकाम दोनों घर में बनी बैठक में सो रहे थे। फिलहाल आखिर ये क्यों किया गया है इस पूरे मामले में छानबीन की जा रही है। लोकसभा श्रावस्ती के बलरामपुर में सपा प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जुबानी हमला बोला। कहा कि 140 सीटों के लिए भाजपा पूरी तरीके से तरस जाएगी। जो वो कह रही है कि 400 पार तो वो बिल्कुल सही कह रही है। जो 400 पार के बाद 140 सीटें बच रही हैं उसी पर बात कर रही है कि अब की बार 400 पार बीजेपी हार नहीं रही बल्कि हार चुकी है। चुनावी शंखनाद के दौरान जनसभा स्थल पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा में आई जनता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनता से मतदान करने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युवाओं, नौजवानों, महिलाओं, किसानों के दिलों को छूने का प्रयास किया और कहा कि उनकी सरकार जातिवाद परिवारवाद की राजनीति नहीं करती बल्कि देश की राजनीति करती है। सहारनपुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक दलित बुजुर्ग व्यक्ति को दबंग लाठी से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव लखनौती कुर्द का है और बीती 11 मई का बताया जा रहा है, जिसमें दलित बुजुर्ग व्यक्ति की दबंग के मकान के बराबर में दुकान है और सफाई को लेकर विवाद हुआ, जिसमें दलित बुजुर्ग पर जमकर लाठी डंडों और थप्पड़ों से मारपीट की गई। मारपीट का पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। उसमें ये लखनौती की घटना है, लखनौती कोतवाली देहात में, और इसमें 12 तारीख को इसमें SC ST और 308 और बाकी धाराओं में इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है 3 लोगों के विरुद्ध। गिरफ्तारी का इसमें प्रयास चल रहा है, गिरफ्तारी अभी तक हो नहीं पाई है। जो इसमें मजरूब हैं अभी खतरे से बाहर हैं, आंखों के पास उनके बताया जा रहा है कि कुछ समस्या है या फ्रैक्चर की है, उसको अभी PGI हरियाणा में उनका इलाज चल रहा है और गिरफ्तारी के लिए इसमें प्रयासरत हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती बस्ती के GIC ग्राउंड में पहुंचे। मस्ती मंडल के बसपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने के लिए जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में बीजेपी कांग्रेस और सपा पर जमकर हमला बोला। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र की सत्ता में बीजेपी की आसानी से वापसी नहीं होने वाली। बीजेपी की जातिवादी, पूंजीवादी और सांप्रदायिक और इनकी कथनी और करनी की वजह से सत्ता में नहीं आसानी से नहीं आने वाले, बशर्ते इलेक्शन फ्री और फेयर हो। आम चर्चा के अनुसार EVM मशीनों में गड़बड़ी नहीं की जाती। चारधाम यात्रा में पहुंच रही बंपर भीड़ के चलते यात्रा के स्लॉट फुल हो चुके हैं, जिसके बाद पर्यटन विभाग की ओर से हरिद्वार में रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद कर दिए गए। रजिस्ट्रेशन बंद होने से यहां रजिस्ट्रेशन काउंटर पर सन्नाटा है। दूसरे राज्यों से पहुंच रहे श्रद्धालुओं को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे राज्यों से पहुंच रहे चारधाम यात्री हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर पहुंच रहे हैं, तो वहीं इनकी उम्मीदों को बड़ा धक्का लगा क्योंकि चारधामों में भीड़ बढ़ी और स्लॉट फुल हो गए जहां रजिस्ट्रेशन बंद हो गया। ऐसे में दूर दराज से आए यात्रियों को समझ में नहीं आ रहा कि अब वो जाएं तो जाएं कहां।
पौड़ी जिले के श्रीनगर की बुघौड़ी रोड पर गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिड़ला परिसर के पास डांग में आवासीय बस्ती में एक घर के आंगन में 3 साल के मासूम बच्चे को उसकी मां के सामने ही बीती देर शाम को गुलदार उठा ले गया। जानकारी देते हुए डीएफओ स्वप्निल लंडू ने बताया कि वन विभाग द्वारा सूचना मिलते तत्काल मौके पर पहुंचे गए और पुलिस और स्थानीय लोगों के सहयोग से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सुबह के वक्त घर से 200 मीटर दूरी पर 3 बच्चे का शव मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। चारधाम यात्रा में ट्रैफिक और यात्रा पंजीकरण कार्यालय में वॉलंटियर्स के रूप में अपनी सेवा दे रहे एनसीसी के 41 छात्रों की ट्रैफिक पुलिस ने हौसला अफजाई की। उनके एसएसपी अजय सिंह और यातायात निदेशक मुख्तार मोहसिन के निर्देशन पर ट्रैफिक वॉलंटियर्स के ड्रेस और फल फ्रूट दिए गए। बता दें कि इस कार्यक्रम के लिए नटराज चौक पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान और ऋषिकेश कोतवाली के सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार पहुंचे। उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ ट्रैफिक वॉलंटियर्स को बेहतर ड्यूटी करने की टिप्स दिए। एम्स चौकी क्षेत्र अंतर्गत शिवाजीनगर में मौनी बाबा गौशाला में संदिग्ध रूप से आग लग गई। आग लगने से गौशाला में मौजूद 3 गायों को जलकर दर्दनाक मौत हो गई। सभी 4 गायें झुलसने से घायल हो गई। आसपास के लोगों ने बताया कि घटना के वक्त गौशाला में कुछ लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने किसी तरह चसे कूदकर अपनी जान बचाई। लोगों ने 2 धमाकों की आवाज सुनी। अंदाजा इस बात का लगाया जा रहा है कि गौशाला के अंदर गैस सिलेंडर फटा। सूत्रों का कहना है कि गौशाला में एम्स में भर्ती मरीजों के तीमारदारों को अवैध रूप से छिड़ाया जाता है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सपा प्रत्याशी राम भुवाल निषाद को भारी मतों से जितवाने का आरोप किया। वहीं मंच से संबोधन के दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। मंच से संबोधन के दौरान मीडिया से रूबरू हुए अमित शाह के बयान की रायबरेली अमेठी जिता दीजिए 400 पार हो जाएगा पर अखिलेश यादव ने कहा कि अमेठी रायबरेली की जनता और समाजवादी पार्टी का संगठन इस बार देश के सारे रिकॉर्ड शामिल है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन रोजा मंडी में विधाना भवन स्थापित स्ट्रांग रूम में सुरक्षित ईवीएम की सुरक्षा के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया, आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। प्रयागराज के हंडिया उतरावा थाना क्षेत्र के मोतीहिया रनिया डिहिर गांव की पुलिया के पास सड़क हादसे में बाइक से जा रहे पति पत्नी बेटी सड़क हादसे का शिकार हो गए। 40 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत हो गई। उसकी बेटी और पति गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का आखिरी दिन था प्रचार का, जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के समर्थन में सरकार के मंत्री चरखारी कस्बे के ओल्ड पैलेस के चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां विधायक ब्रजभूषण सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर मनसे इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। यही नहीं, आगामी को होने वाले मतदान में भाजपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को वोट देकर मोदी के हाथों को मजबूत करने की अपील भी यहां पर तमाम बड़े चेहरे करते हुए नजर आए। वैसे भगवान अपना भी और अब जैसा हमारे भाई ने कहा है वे कभी आते हैं और सबे देकर आएंगे। जैसे वो बुढ़िया कार्यक्रम करेंगे उसके बाद मैं आपका आभार व्यक्त करेंगे। आपका इलाज ठीक से करा लेता था लेकिन गरीब बिचारा या कोई मेडिकल स्टोर से गोली खा या फिर कई बार तो माता घर के घर में लंबी रख करके उसे थाने के अंदर महिला की पिटाई। महिला थाने में पुलिसकर्मियों ने महिला को पीटा। पति के विरोध करने पर उसको भी जमकर पीटा। पुलिसकर्मी की मारपीट से अचेत हुई महिला अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने इमरजेंसी वार्ड में एम्स में भर्ती कराया। बकरी चोरी मामले में विवाद पर जबरन राजीनामा मनाने पर पुलिस का आरोप लगा। शहर कोतवाली क्षेत्र के जकरिया पीर इलाके का ही पूरा मामला। खबर देहरादून से, जहां मलिन बस्तियों के मुद्दे पर उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद की बैठक सुभाष रोड स्थित गुरु नानक वेंडिंग पॉइंट पर हुई। परिषद के अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मलिन बस्तियों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 22 मई को कांग्रेस मुख्यालय से नगर निगम कूच किया जाएगा। इसके बाद मलिन बस्तियों के खिलाफ कार्रवाई होने पर उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। जालौन गरौट भोगिनीपुर 45 लोकसभा के लिए मतदान की तैयारी पूरी। जालौन की 3 सभाएं और झांसी की गरौट कानपुर देहात की भोगिनीपुर विधानसभा समेत 5 विधानसभाओं के मतदान करने की पूरी तैयारी हो गई है। जनपद में कुल 1464 मतदेय स्थल और 1029 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।